नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा के रेवाड़ी में बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। हुआ यूं कि एक सरकारी नर्स ने अपनी बेटी व बेटे सहित जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। इतना ही नहीं, करीब 3 माह पहले नर्स के पति ने भी सुसाइड कर लिया था। जानकारी के मुताबिक मूलतः रोहतक के गांव मायना निवासी अनिल कुमारी करीब 13 वर्षीय बेटे ऋषभ व 18 वर्षीय बेटी स्वीटी के साथ शहर के राव तुलाराम विहार में परिवार के साथ रह रही थी। वहीं गांव भांडोर के स्वास्थ्य केंद्र में बतौर स्टाफ नर्स तैनात थी। बताया जा रहा है कि अनिल कुमारी ने खुद व बेटे व बेटी के साथ कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। जैसे ही सास घर पहुंची तो उसने शोर मचाया। तुरंत पड़ोसियों की मदद से तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया। यहां पर अनिल कुमारी व बेटी स्वीटी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं हालत गंभीर होने के चलते बेटे ऋषभ को रेफर कर दिया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मर्चेंट नेवी से रिटायर्ड अनिल कुमारी के पति अमित द्वारा भी 6 जनवरी को ही सुसाइड कर लिया गया था। तीनों शवों के पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिए गए, लेकिन जिस तरह से एक परिवार ने अपने आप को मौत के गले लगा लिए, सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं। आखिर सुसाइड करने के पीछे वजह क्या है? पुलिसिया जांच में ही यह स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट कारण बाहर नहीं आ सके हैं। भाजी क्या नाम है? मेरा नाम आजाद सिंह है। कैसे, क्या हुआ ये आज जो हुआ? जो ये तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम तो गांव मायना में, रोहतक मायना गांव में रहते हैं जी। अच्छा। और ये यहाँ काफी पहले से, बहुत साल से यहाँ रिवाड़ी में ही रहते हैं। अच्छा। वो छोटे भाई की और जो यहाँ सर्विस करती थी, भांडोर नर्स थी यहाँ पे, उसने यही जमीन, पहले भांडोर रहती थी किराए पे, उसके बाद यही जमीन लेके मकान बना लिया है और यही रहते थे। ज्यादा मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता। बताते कि 3 महीने पहले अमित ने भी सुसाइड कर लिया था। हाँ जी, 2 महीने पहले 6 जनवरी को। अच्छा। उसने सुसाइड किया है। अच्छा। 6 जनवरी को। अब इन्होंने कल इन्होंने सुसाइड कर लिया तीनों ने। कौन कौन थे तीनों? ये थी जी अनिल कुमारी। हाँ। वो अमित की वाइफ है। हाँ। और लड़की है अमित की स्वीटी। अच्छा। और लड़का है ऋषभ। अच्छा। अमित का। ये तीनों ने सल्फास की गोलियां खा ली है। अच्छा, कैसे, क्या पता लगा कि इन्होंने सुसाइड कर लिया? आप ये तो यहाँ से फोन गया था जी, हमारे ये अमित की माँ का। अच्छा। अमित की मम्मी का फोन गया मेरे लड़के के पास, क्योंकि मैं तो डेट हो गया, तो मेरे लड़के से बात करती थी, उसके पास फोन गया। वो कहीं बाहर गया हुआ था ड्यूटी पे, उसने मुझे बताया, बोला पापा जी ऐसे ऐसे है और ये हो गया है। कृष्णा देवी घर में नहीं थी उस टाइम पे? उस टाइम देखो, ये तो जी वही बता पाए, क्योंकि हम यहाँ का कारण क्या रहा जो इतना बड़ा कदम उठाया गया? ये भी हम नहीं बता सकते जी, डिप्रेशन में थे ये। अच्छा। ये हम नहीं बता पाएंगे। बाकी ये थी पहले से ही कि हम जाएंगे, ये पहले से था जी, लेकिन क्यों गए, कब गए, ये तो ऊपर वाले को पता है, या फिर जो यहाँ पास में होगा कोई उसको पता है। ये डिप्रेशन में थे।